नमस्कार साथी, मैं हर्ष बुंदेला ASD कॉलेज BA प्रोग्राम थर्ड ईयर का छात्र आप सभी के समक्ष मौजूद हूँ और मैं आज अपने विचार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन नाम की कंपनी पर रखने जा रहा हूँ। मैं अपने स्तर से इसका कड़ा खंडन करता हूँ क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक्ट कोऑर्डिनेंस की धज्जियाँ उड़ाते हुए हायर एजुकेशन को पीछे धकेलने का कार्य किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रशासन द्वारा। और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मध्यम वर्गीय समाज से आते हुए बच्चे एवं SC ST OBCs EWS से कैटेगरी से आने वाले मेरे भाई और बहन की तरफ से बात कहना चाहूँगा कि यह उनके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक कदम है जो सरकार जो निजीकरण की नीति अपनाते आ रही है पिछले 6 सालों से, वही इसका एक आगे का परिणाम है और मैं ये बिल्कुल भी इसे उचित नहीं समझता हूँ। यह देश की समावेशी प्रकृति के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, ना कि बिल्कुल इससे ट्रेड यूनियन डूटा और डूसू की आवाज़ को भी दबाया जाएगा, उनका रोल ख़त्म कर दिया जाएगा। और मैं आप सभी को इसको चेताना चाहता हूँ, छात्र शक्ति को, समस्त छात्र शक्ति को इस बात से चेता रहा हूँ और मैं इन सभी को बताना चाहूँगा छात्र शक्ति को कि अपनी आवाज़ बुलंद करें और इसका कड़ा खंडन करें, कड़ा विरोध करें। और मैं सरकार को अपनी तरफ से कहना चाहूँगा सबकी बिहाफ पे कि पुनः अपने डिसीज़न पर पुनः विचार करें। धन्यवाद।